हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेकियस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी A73 5G में आप ऐप्स को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले होम स्क्रीन पर कहीं भी खाली जगह लॉन्ग प्रेस करना है। तो चलिए हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर लेते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगी सेटिंग्स की, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाएगी हाइड ऐप्स की, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी ऐप हाइड करनी है आपको यहाँ से उसे उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ से मैंने कैलकुलेटर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ऊपर हिडन ऐप्स में कैलकुलेटर शो हो रहा है और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे डन पे क्लिक कर देना है तो आपकी जो ऐप है वो हाइड हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैलकुलेटर जो है वो हाइड हो चुका है, यहाँ पर कैलकुलेटर नहीं है। तो चलिए अब मैं इसको अनहाइड करके दिखा देती हूँ। फिर से दोबारा से होम स्क्रीन पर खाली जगह लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ से सेटिंग्स और उसके बाद हाइड ऐप्स और जो भी आपने ऐप हाइड की होगी उस पर ये जो माइनस वाला आइकन आपको दिखेगा ऐसे, तो आपको क्या करना है इस माइनस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपको जो नीचे डन वाला ऑप्शन दिख रही है आपको इस पर क्लिक कर देना है तो आपके फ़ोन की जो है ऐप जो भी आपने हाइड की होगी वो अनहाइड हो जाएगी। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर वापस आ चुका है।